सो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा था, मुझे बलूचिस्तान पे लाइक वीडियो बनाना था. मैं देख रहा था कि बलूचिस्तान की अच्छी अच्छी कोई वीडियोस होंगी, तो मुझे एक वीडियो मिली, बेहतरीन व्लॉग मिला, विच इज़ बाय जाजीब सैम्यूल. उनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो. एंड वो बलूचिस्तान के व्लॉग्स बनाते हैं बहुत सारे. उनके सारे ब्लॉग्स बलूचिस्तान के होते हैं, उसके रिगार्डिंग होते हैं. एंड ये ब्लॉग की जो थंबनेल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा कातिलाना थंबनेल था, एज वेल एज जो उनका टाइटल भी था, ही बिकेम अ सरदार, द सरदार ऑफ बलूचिस्तान. तो इससे हमें पता चलता है कि अभी भी वहाँ पे इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक सरदार बने जाते हैं, बनाए जाते हैं जिरका बिठा के. जिरका है ना, जिरका जो होता है सरदारों का, सारे सरदार मिलके एक सरदार का इंतखाब करते हैं एंड फिर वो सरदार बनता है. जैसे एर्तुरुल में हम देखते हैं, कुरलुस उस्मान में, एर्तुरुल में. एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली मुझे पठान बहुत पसंद है, एंड उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा, वो भी जो उर्दू बोलते हैं वो पठानी लैंग्वेज में, लाइक पाश्तो में जो वो उर्दू बोलते हैं ना एक्सेंट के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत बार कोशिश भी करता हूँ बोलने की, बट वो उनके जैसी बात ही नहीं है यार, वो बात ही कुछ और होती है ना. बट देखते हैं कि आज का ये वीडियो व्लॉग कैसा होगा. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड हमें और भी ज़्यादा मज़ीद जानकारी दीजिएगा आपके बेहतरीन कमेंट्स के ज़रिए. एंड देखते हैं कि आज का व्लॉग कैसा होगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस. यहाँ पे असला इतना ज़्यादा ना कि कोई जो है शहबाज के पास ये लावारिस AK-47 छोड़ के चला गया. शहबाज किसकी है? मैं ले जाओ. असला इतना ज्यादा है. दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ और मैं बलूचिस्तान के कल्चर, बलूचिस्तान की जगह दिखाता हूँ, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सको. आज ये वो बहुत खास दिन है क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं हाजी शहबाज, उनके बड़े भाई है, आज वो सरदार बनने जा रहे हैं. मतलब उनको जो है, उनके जो ट्राइब है, उनका जो कुर्द ट्राइब है, वो उनको जो है सरदार बनाने जा रहा है. तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है. मैंने कहा क्यों ना मैं तुम लोगों को साथ लेके जाऊँ. और मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक इंसान जो है वो सरदार कैसे बना जाता है. आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो यार कि सरदार कैसे बनते हैं बलूचिस्तान में, तो सरदार ये होता है, सरदार वो होता है. तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं एक व्लॉग बनाऊँ और मैं बताऊं कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो सरदार कैसे बनता है. क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं दश्त की तरफ, ग्वंडन की तरफ. और ग्वंडन का जो रास्ता है, दश्त का रास्ता, वो कोयटा से कोई 20 या 28 किलोमीटर दूर है. और आज जो सारी सेरेमनी है वो ग्वंडन होने वाली है, कुर्द फार्म हाउस में. मैं काफी एक्साइटेड क्योंकि मेरे लिए ये पहला अपॉर्चुनिटी है, पहली दफा मैं ये सब कुछ देखने जा रहा हूं. और जहां मैंने शहबाज से सुना, शहबाज का कहना है कि तकरीबन कोई 10,000 लोग आने वाले हैं इस पूरी सेरेमनी को. मेरे साथ शहबाज भाई, शहबाज भाई वापस व्लॉग में आ गए. मुझे याद है गाड़ियों वाला व्लॉग अभी तक नहीं बनाया, लेकिन बनाएंगे. लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज भाई को, जिनके भाई आज जो है सरदार बन रहे हैं. शहबाज भाई क्या कहेंगे आप आज? भाई खैर मुबारक, मेरे भाई आज सरदार बन रहे हैं. सरदार अबनवास कुर्द जो कि कौम ने से सरदार बनाया है, आज वो इंशाल्लाह खैर कर, अल्लाह खैर कर, वो सरदार बन रहे हैं. ये मेरे लिए और कौम के लिए बहुत खुशी की बात है जो कि मेरे भाई सरदार बने. नवीर भाई भी हैं जो कि आज उजी लेके पबजी खेलने आए हुए हैं यहाँ पे. नवीर भाई खैर है आजकल? पबजी खेलने आए यहाँ पे पहाड़ों में. पबजी पहाड़ों में. अरे ये बताएं सरदार वगैरह ये लोगों को जो नहीं पता कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, जल्दी से एक्सप्लेन करें. भाई सरदार एक ट्राइब का सरबरा होता है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मतलब पूरी ट्राइब को जो है साथ लेके चलना. उनकी जो डिस्प्यूट्स है, आपसी लड़ाई है, वो जो है मतलब भाई मुशावरत से जो है हल करना. मैंने बहुत सुना है कि बाहर लोग समझते यार सरदार लोगों को पढ़ने नहीं देते, लोगों को कैद करते. ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. सही, इस तरह कुछ भी नहीं होता. सरदार बल्कि सरदार ने जो है स्टेट के ऊपर जो बर्डन होता है ना, जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कितने जजेस हो गए और आबादी के लिहाज से वो कम है, इसीलिए जो है 5-5 साल 6-6 साल केसेस चलते हैं. तो ये सरदार जो है जो स्टेट के ऊपर बर्डन होता है वो कम कर दिया है. जो अपने ट्राइब के इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो हल कर देते.
रियायत है, बिना किसी मुआवजे के वसूल किए लोग जो वकीलों से भी बच जाते हैं। तो बहुत पुराना ये हमारा कल्चर है, ये सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं भाई। भाई सोच तेरे चीफ ऑफ काफी लोग बोलेंगे कि ये सरदार टाइप क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता नहीं है पंजाब में जिस तरह चौधरी होते हैं, गांव में सरपंच होते हैं, और सिंध एरिया में चले जो वहाँ पे वडेरे होते हैं, तो यहाँ पे सरदार होता है। और सरदार का जो होता है वो बहुत अहम जो होता है वो यहाँ पे हिस्सा होता है, और उनकी जो आवाम है उनको बहुत मतलब कि समझती है, और जो सरदार है वो उनको बहुत समझते हैं। और जिस तरह के फैसले जो हैं, जो मतलब नॉर्मल दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए और वो जो दुश्मनी है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती है, तो यहाँ पे जो है ये जो सरदार होते हैं उनका ये काम होता है कि उनको बीच में रखना, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, किसी का कोई मसला तो वो सॉल्व करना, जिस तरह नॉर्मल पंजाब में चौधरीज करते हैं और वडेरेज करते हैं सिंध में, तो यहाँ पे सरदार करते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे जो सरदार है इसको जो है वो सरदार बनाता कौन है, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे बंदे जो कि नवीद भाई हमारे जर्नलिस्ट भाई, वो आज आपको बताएंगे कि सरदार को आखिर सरदार बनाता कौन है। नवीद भाई जी, सरदार को जो सरदार बनाते हैं वो ठकरी होते हैं, ठकरी जो है सब ट्राइब के हेड होते हैं। हाँ, वो जो है सरदार को मतलब जब दस्तार पहनाते हैं वहाँ पे कसम लेते हैं कि भाई मतलब हम आपको सरदार बना रहे हैं, हमारे फैसले वगैरह जो है आप करोगे, तो इस तरह सरदार बनता है। आज जो है वो सरदार रब नवाज कुर्द साहब की जो है वो दस्तरबंदी है। अगर दस्तरबंदी का आपको नहीं पता तो वो एक तरह का ओनरशिप देते हैं, एक तरह का कि आप आज सरदार है। तो ये बनने का जो तरीका है वो बहुत है, मतलब जो बताया टकरी जो होते हैं उनका ये सीन होता है कि वो बारी बारी आते हैं, जितने भी कबीलों के टकरी होते हैं वो आते रहते हैं, और वो पगड़ी होती है जो पग कहते हैं पंजाबी में, और सिंधी में पता नहीं कुल्ला कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन वो है पगड़ी होती है। तो वो पगड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक करता है, मतलब वो सर पे करता है, दूसरा दूसरे पे करता रहता है, तो इस तरह वो पगड़ियां बनाते हैं कि आज से जो हम आपको सरदार बना रहे हैं। तो ये जो पगड़ी रख के ये होता है, ये रस्म होती है, ये एक तरह का रिवाज होता है, एक तरह का कल्चर है कि आज से जो है वो आप सरदार होंगे। भाई सारे बैठे हैं ना बंदूकां बदखां लेके, ओ भाई साहब क्या बात है। आई थिंक ये है सरदार, ये उनके भाई हैं, चीफ ऑफ गुलान। अच्छा ये है चीफ ऑफ गुलान, यस ही इज सरदार, माशाल्लाह। ओ भाई भाई ने वीडियोस बहुत सही बनाई है ना। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सब लोग बोल रहे थे अगर बलोचिस्तान इतना ही सेफ है तो शहबाज लोग गन लेके घूम रहे थे। एक्चुअली ये जो गन्स का है ये सब कुछ जो कल्चर है ये बलोचिस्तान का, और आप लोगों ने देखा कभी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई डिप्लोमेट होता है, पता नहीं कौन कौन होते हैं, उनके सबके गार्ड्स होते हैं, सबके पास पर्सनल सिक्योरिटी होती है। इसी तरह शहबाज लोगों के पास भी पर्सनल वो है, ये भी बिजनेसमैन है यहाँ पे, और अब तो सरदार भी बन गए, तो इनके पास भी अपनी सिक्योरिटी है, इनके पास भी ये असला जो है ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अपने मैं हूँ, मैं नॉर्मल घूमता हूँ, मैं नॉर्मल कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, ना मेरे पास गन है, ना मेरे पास छुरी है, ना कुछ है। मैंने इतनी इतनी जगह पे जाके ब्लॉग बनाया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बलोचिस्तान जो वो कम्प्लीटली सेफ है। मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं, ये बोला जाता है कि बलोचिस्तान के जो सरदार हैं उनकी वजह से जो है बलोचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, बलोचिस्तान की जो आवाम है वो गरीब की गरीब होती जा रही है। लेकिन अगर आप रियल, जैसा मैं शहबाज को तकरीबन 3 साल से जानता हूँ, और इन 3 सालों से पहले भी, मतलब 3 साल जब से मैं जानता हूँ, मतलब शहबाज लोग वेल सेटल्ड, वेल अमीर जिसे कह सकते हैं, वो अमीर खानदान, अपना बिजनेस है, सब कुछ है, सरदारी अब जाके इनको मिली है। तो अगर कोई आके बोल दे कि सरदार की वजह से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो ये जो ये बिल्कुल गलत बात है और इसको मैं ज़रूर कंडेम करता हूँ। सबसे बेस्ट चीज है अल्ले बैठ के सबके साथ खाना। माशाल्लाह यहाँ पे असला इतना ज्यादा ना कि कोई जो है शहबाज के पास ये लावारिस AK-47 छोड़ के चला गया। शहबाज किसकी है? मैं ले जाओ भाई, चलो यार। अरे भाई साहब जी, हमारे साथ मौजूद है सरदार रब नवाज कुर्द साहब, जिन्हें आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कुर्द कबीले की सरदार बनाया गया है। उनसे पूछते हैं कि मुस्तकबिल में वो कौम की खिदमत करने के लिए मतलब क्या इरादा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने तकलीफ़ की, अपना टाइम निकाला इधर आए। कुर्द कौम का तो सरदार सरबराही तो मुझे मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। जैसे ये पगड़ी का वजन है सर पे, तो
वो तो इतना नहीं है, जो कंधों पे मेरे वजन इन्होंने कुर्द कौम ने ढाला है तो वो तो बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला कि ये कंधों का मेरा वजन भी जैसे मेरे सर पे वजन रखा हुआ है इस पगड़ी का, तो ऐसे ही हल्का मेरे लिए करे, और कुर्द कौम के मसले, बाकी कौमों के मसले भी मैं ऐसे हल करता जाऊँ। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ नवीद का और शहबाज का जिसने मुझे आज इनवाइट किया, और ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मैंने ये सब कुछ देखा। सबसे पहले थैंक यू भाई आपको, बहुत बेहतरीन व्लॉग था ये, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो वो सरदार थे माशाल्लाह उनकी पगड़ी बहुत बेहतरीन लग रही थी, एंड जैसे हमने सोचा था सेम वैसे ही वो सरदार बने हैं जैसे कुरलुस उस्मान या फिर अर्थुल गाजी में हम देखते हैं, एंड जो हमने वहाँ से सीखा है उनकी जो रिवायतें होती हैं, जो जैसे वो बोलते हैं कि औस कबीले की जो उनकी रिवायत है, और जैसे कि ये सरदार जो बने हैं कुर्द कबीले के चीफ ऑफ बलोन, ऐसे मस्त है ना लिखा हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एंड बलूचिस्तान के बारे में बहुत सादा कुछ सुना है, एंड जैसे कि जो हमारे ये भाई हैं जिनका ये व्लॉग है उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बताया बलूचिस्तान के बारे में कि वो बिल्कुल सेफ़ है एंड वहाँ पे बिल्कुल ख़तरा नहीं है। असला लेके लोग इसलिए घूमते हैं जस्ट बिकॉज बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए लेके घूमते हैं, और एक उनका एक शौक भी और एक रिवायत भी है, एंड वहाँ पे सबके पास होता ही है, एंड पठान है तो होगा असला उनके पास, पठानों के पास तो असला होता है ना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर, सी यू।